मरकज़ है यहाँ पे। हम अभी जो है ना पानी लेने के लिए रुके हैं जमजम का, यानी जो हमारा कतरी आईडी है उसके ऊपर जो है तकरीबन आई थिंक 5 बोतलें जो है ना वो ये देते हैं, तो देखते हैं हम कितना ले सकते हैं। अभी यहाँ से जो है ना चाय भरवाते हैं कैटल में, और साथ में जो है ना बास्किन रॉबिन से लेते हैं आइसक्रीम्स बच्चों के लिए, और मैं अपने लिए लूँगी शेक, और हस्बैंड जो है अपने लिए लेंगे कुछ खाने के लिए। उन्होंने पहले नहीं खाया था खाना, ना कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, ना येलो येलो सा है ना सूरज। 12 डिग्री, उफ बहुत सर्दी है यहाँ पे तो, सही वाली चिल्ड हवा, ऐसा लग रहा है मरी में आ गए। ये ले लेते हैं अलमराई, ले लेते हैं। देखो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना मीनार, वो मस्जिद नबी है, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और छतरियाँ देखें कितनी प्यारी हैं यहाँ पे आते साथ ही माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू आने वाले, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही जो है ना बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो बरवक्त आप तक पहुंच सके और अच्छे अच्छे और मज़ेदार व्लॉग आप लोग भी इंजॉय कर सकें। तो आज के जो व्लॉग है इसमें आप देखेंगे मक्का टू मदीना का सफ़र हमारा बाय रोड। तो ये जुम्मतुल मुबारक का दिन था जिस दिन हमने ट्रैवल किया था, और मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में जैसा कि शेयर किया था कि हमने मस्जिदुल हराम में जो है वो नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद हमने जो है वो खाना ले लिया था, और उसके बाद हम निकल गए थे अपने सफ़र पे। और जिन्होंने लास्ट वाला व्लॉग मेरा नहीं देखा वो जाके चेक कर लीजिए। तो हुआ ये कि हस्बैंड जो है उन्होंने खाना जो है नहीं खाया था, उन्हें भूख नहीं थी और हमने खा लिया था, तो अब हमने सोचा था कि हम जहाँ पर भी रुकेंगे असर की नमाज़ के लिए तो वहीं से जो है हस्बैंड जो है खाना ले लेंगे। तो ये हम मक्का से निकल चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी भी मक्का की हदूद हैं, और अभी मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी एक बहुत ही अनयूजुअल सी चीज़ जो कि आपको आजकल सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलेगी, जो कि हमने अपनी आंखों से खुद विटनेस की है और वो बिल्कुल ठीक है। और आज जो है ना आपको पीछे बैकग्राउंड में कुकू की आवाज़ आ रही होगी, ग्रे पैरेट है हमारे पास जो कि बहुत शोर करता है दिन में, तो आज मैं डे टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसकी जो आवाज़ है वो आपको आ रही होगी मुसलसल। तो ये देखिए हम पहुँच चुके हैं मस्जिद आयशा, और इसके सामने से अभी हम गुजर रहे हैं, और अभी भी जो है ना मक्का की हदूद तो खैर अब ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि मस्जिद आयशा जो है वो हदूद से बाहर है। तो बस इसके बाद ही जो पेट्रोल पंप है हमने वहाँ पे जो है ना रुक के तो नमाज़ वगैरह पढ़ी थी असर की और खाना वगैरह ले लिया था। हमने यहाँ पे जो है ना जोहर की नमाज़ अदा करते हैं फिर जो है आगे जाएंगे, क्योंकि फिर हमारी जोहर की नमाज़ जो पढ़ ली। अभी यहाँ से जो है ना चाय भरवाते हैं कैटल में, और साथ में जो है ना बास्किन रॉबिन से लेते हैं आइसक्रीम्स बच्चों के लिए, और मैं अपने लिए लूँगी शेक, और हस्बैंड जो है अपने लिए लेंगे कुछ खाने के लिए। उन्होंने पहले नहीं खाया था खाना, तो बर्गर या फिर शवरमा वगैरह वो देखेंगे जो उनको खाना होगा। तो बस अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, वहाँ पे बेच रही थी, जब बैठी भी थी उधर। हाँ ये अच्छा बनाती हैं, जो इस होते हैं ना इस तरह अच्छा बनाती हैं, मीठा ना हो बस ज़्यादा अच्छा लग रहा है वैसे शक्ल से। चलो खा के देखते हैं। जी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो सफ़र है वो स्टार्ट हुआ है, हाईवे पे हम चढ़ चुके हैं और मदीना के लिए, और मदीना जो है वो मक्का से तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है बाय रोड। और एक चीज़ जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी जो हमने ख़ुद एक्सपीरियंस किया है वो ये कि जो मक्का की पहाड़ियाँ अब आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी ग्रीन होना शुरू हो गई हैं, ये बिल्कुल करीब का एरिया है मक्का से, तो अब आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ये ग्रीन होनी शुरू हो गई हैं जो कि अब जाके बिल्कुल लश ग्रीन हो चुकी हैं, और सब्ज़ा और सरसब्ज़ा शादाब हो चुका है पूरा इलाका, और बहुत सारे लोग जो है वो पिकनिक वगैरह भी कर रहे थे और पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए थे, काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी पिकनिक करने के लिए, बहुत सारी गाड़ियाँ थी, कैटल्स थे हमें दिखने को मिल रहे थे, ऊँट वगैरह, और काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे थे। तो देख के बहुत हैरत हो रही थी, ये जो अनयूजुअल सी चीज़ है ये हमने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे देखी थी। तो यहाँ पे चाय का टाइम भी हो चुका था, हमने जो है सोचा कि चलो चाय भी पी लेते हैं क्योंकि हमने भरवा ली थी चाय।
ऐसी चीज़ें जब हम देखें तो हमें हमारा एक ईमान भी बहुत पुख्ता और मज़बूत होता है अल्लाह ताला पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कि जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी अहदीस में, जिसका हमें सबूत भी मिलता है, तो वो काफ़ी साल पहले जो है, वो हज़ारों साल पहले हमें बता के गए, जो जो निशानात और जो जो अलामात, जो जो कुर्बे कयामत की निशानियाँ हैं, वो तमाम के तमाम आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी होती चली जा रही हैं। तो इससे एक ईमान भी ताज़ा होता है और एक खौफ भी होता है, एक डर भी होता है कि अब कयामत बहुत करीब आ चुकी है, तो इंसान अपनी अपनी तैयारी कर ले। इसी हवाले से मैं आप लोगों के साथ एक हदीस शेयर करती हूँ, जिसका मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियाँ बयान की और फिर फरमाया कि कयामत जो है वो कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अरब की जो सरज़मीन है वो दोबारा से चरागाहों में और नहरों में ना बदल जाए। और ये मुस्लिम की हदीस है, बिल्कुल अथेंटिक है, और उसका जो रेफरेंस नंबर है वो है 2339। तो आप लोग भी जाके चेक कर लीजिए ये हदीस। इसका कलर देखें कैसा है ना, मिट्टी का कलर दो शेड है, प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, इतना येलो येलो सा है ना सूरज। तो सोचो कि कितने दिनों में पहुंचते होंगे। हम लोग अभी स्पीड गाड़ी में जाते हैं जैसे, तो हमें 4 घंटे लगते हैं तकरीबन। वो लोग पहले ऊँटों पे और इस तरह से जाते होते थे पैदल भी, तो कितनी देर में पहुंचते होंगे। यहाँ पे बारिश लगता है बहुत ज़्यादा हुई है, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है साइड में। और अपने साथ ना, जैसे अभी तो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं ना रास्ते में, पहले तो खाने के लिए कुछ भी नहीं जैसे होते थे इस तरह की चीज़ें, तो अपने लिए जो ना लेके जाते थे सामान, ख़त्म भी हो जाता था कभी कभी, फिर पता नहीं कैसे गुजारा करते थे। तो सफ़र हमारा रवा दवा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत इंजॉय किया मक्का से मदीना का सफ़र। हमें तकरीबन जो है 4 या 4.5 घंटे लगे होंगे पहुंचने में, और रास्ते में जो है हम रुके थे थोड़ा खाने पीने के लिए। रात बिल्कुल देखें आप हो चुकी है, और ना ठंड इतनी ज़्यादा थी, गाड़ी में तो हम बैठे थे हमें नहीं पता चला, जब हम उतरे तो हमें समझ में आई कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा सर्दी है। यहाँ पे 12 डिग्री, उफ़ बहुत सर्दी है यहाँ पे, तो सही वाली चिल्ड हवा है, ऐसा लग रहा है मरी में आ गए। चले आए देख के आते हैं शॉप पे, ये वाली शॉप सेस्को पाम, इन लोगों के लिए देखते हैं कुछ अगर लेना है तो। तो ये छोटी सी सुपर मार्केट थी, यहाँ पे देखें खिलौने वगैरह भी हैं, टॉयज़ थे यहाँ पे, हर तरह की ज़रूरत की चीज़ें थी, मैट वगैरह थे, अहराम थे, हर तरह की जो है ना यहाँ पे चीज़ें मौजूद थी। तो हमने यहाँ से स्नैकिंग का बस सामान ले लिया था, जूस वगैरह बच्चों के लिए, चिप्स वगैरह ले लिए थे रास्ते के लिए। जूस ले रही हूँ मैं, ठीक है ना, जूस। ये ले लेते हैं अलमराई, ले लेते हैं ये वाले, ले लेते हैं माँ के लिए लिया ना मैंने, यहाँ पे वो नहीं है बिस्किट। चलें चलते हैं बाहर, और इतनी ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन मुझे ना पसंद है ऐसी सर्दी, यानी चुभने वाली नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छी लग रही है ठंड जो है ना ये, क्योंकि सर्दियाँ वैसे इतनी कम आती हैं, सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए, बस फेबररी और मार्च या जनवरी और फेबररी में, तो अच्छी लग रही हैं सर्दियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से ना नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल, लेकिन ना लाइट्स बिल्कुल दूर दूर से देखे नज़र आ रही हैं, मुझे लगता है हम 1.5 घंटे तक पहुँच जाएंगे। ترى الأرض نورا فلا تظلموا هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلموا وثار الحبيب إذا ما اوكي جايز ابي هم چنے کھانے لگے ہیں और हम यहाँ पे पहुँचने लगे मदीना। पहाड़ी है लेकिन नज़र नहीं आ रही अभी इसमें फ्लैश की वजह से। देखो मदीना सिटी नज़र आ रहा है, वो देखो लाइट्स नज़र आ रही है ना, वो मदीना सिटी है, स्टार्ट होने वाला है बस 18 मिनट्स रिमेनिंग बस, अब जो है आने वाला है मदीना इंशाल्लाह। कौन कौन एक्साइटेड है मदीना के लिए, कौन कौन एक्साइटेड है? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी। अब दुआ करो कि हमें अंदर जो है ना रोजे पे जाने की परमिशन मिल जाए, रोजे रसूल अंडर पास कितना प्यारा है माशाल्लाह। यहाँ पे इस वाले अंडर पास से हम लोग पहले नहीं गुजरे शायद ना, अच्छा बनाया माशाल्लाह से,
ये दूसरा रास्ता है जहाँ से हम आए। जब हम हज पे आए थे ना, तो हम दूसरे रास्ते से आए थे, इसलिए हमें ये सब कुछ नजर नहीं आया पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना पहुंच गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना इतना अच्छा है ना, अभी तुम लोग देखना, इतना ठंडा ठंडा सा है, इतना अच्छा है, बहुत शुरू है। देखो वहाँ अफरा अब्दुलरहमान, देखो वो सामने, देखो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे ना मीनार, वो मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है। ये देखो ये क्या बना हुआ है, इतना बड़ा सा देखो महल है कोई, माशाल्लाह से कितना प्यारा बना हुआ है ये, नबी के साथ है बिल्कुल। मस्जिद चेक करो कितनी प्यारी है, छोटी सी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मदीना में, और इसी गली में जो है हमारा हज में जब हम गए थे तो तब भी हमें यहीं पे होटल मिला था, तो हमें वही वाली जो हमारी मेमोरीज हैं वो रिमाइंड हो गई। काफ़ी हम लेट पहुँचे थे, और उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ था, क्योंकि होटल जो है ना उसका हमारे साथ थोड़ा सा मिसहैप हो गया था, जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बस अभी मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। ईशा की नमाज़ हमने जाके मस्जिदुल हराम में पढ़ ली थी, जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अनटिल नेक्स्ट व्लॉग, फी अमानिल्लाह। होटल पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है, तो अभी जो हस्बैंड है वो पार्किंग ढूंढने के लिए गए, और हम जो है वो चेक इन करेंगे अभी। कितना ज़्यादा रश आ गई मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और छतरियाँ देखें कितनी प्यारी हैं यहाँ पे आते साथ ही, माशाल्लाह। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। अभी जो है ना रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं, और हम अभी पहुँचे हैं, तो अभी जो है ना अंदर चलते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग देख सकते हैं आप आराम से कौन से जो है ना बैठे हुए हैं, और हम भी बस अंदर चलते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं अंदर चल के। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून की जगह है।